Hello people, I hope you're doing wonderful, wonderful, wonderful and you're getting better day by day, right? I think अब थोड़ा सा ट्रैक पे आ चुके होंगे आप और थोड़ा थोड़ा धीरे 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 आपने पढ़ाई शुरू कर दी होगी। तो यहाँ पे मैं फिर से आता हूँ आपके लिए, आपके कुछ भी और एडिशनल चीजें हैं, कुछ क्वेरीज हैं, कोई भी और चीज है तो उन चीजों को लेकर यहाँ पे हमने 25th of February को स्टार्ट किया था एक सीरीज हेल्पिंग हैंड करके, उसका इंट्रोडक्शन था। मैंने आपको कहा था कि उस इंट्रोडक्शन वीडियो के नीचे आप जो भी कमेंट करेंगे मैं कोशिश करूंगा धीरे 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 उन चीजों की आंसर करने के लिए टू पब्लिक एट लार्ज। उससे भी बड़ी रिक्वेस्ट की थी मैंने उन स्टूडेंट्स से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और सीएस बन चुके हैं या एग्जीक्यूटिव क्लियर हो चुके हैं या फिर ट्रिस्बी पोजीशन पे हैं, दोस हु क्लियर्ड सम लेवल ऑफ प्रोफेशनल्स, कि उन बच्चों का जिन बच्चों ने नीचे कमेंट किया था, मोर देन 500 कमेंट्स हैं वहां पर इंट्रोडक्शन वीडियो के नीचे, तो उन बच्चों को आप भी अगर अपने एक्सपीरियंस से कुछ रिप्लाई दे पाए तो वो भी दीजिए। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ सीनियर्स हैव स्टार्टेड डूइंग इट एंड दिस इज ऑल्सो वेरी हैप्पी थिंग। तो उससे कैसे आता रहूं, उससे कैसा होता जा रहा हूं कि मैं मेरा बेस्ट पॉसिबल एफर्ट दूंगा कि मैं मेजोरिटी कमेंट्स को यहां पर आंसर करूं। तो पिछले एपिसोड 1 में हमने तकरीबन, ये मेरे पास लिस्ट भी है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर किया था, राइट? एंड दीज क्वेश्चंस कवर्स आंसर्स फॉर मोर देन 100 कमेंट्स, बिकॉज़ बच्चों के कमेंट्स मोर लेस सेम ही आते हैं। तो इस कारण से मोर देन 100 कमेंट्स के आंसर हमने एपिसोड 1 में कर दिए हैं। उसके अलावा जो हमारे सीनियर्स अब पूरी ताकत के साथ साथ में जुड़ चुके हैं, जो कि बच्चों को और भी रिप्लाई कर रहे हैं खुद, दैट इज ऑल्सो वंडरफुल। एंड अगर आप एक ऐसे बालक हैं जो एग्जीक्यूटिव क्लियर हो चुके हैं, प्रोफेशनल क्लियर हो चुके हैं, तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि हेल्पिंग हैंड जो सीरीज है उसमें आपका भी थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन दो। इंट्रोडक्शन वीडियो के नीचे जो कमेंट्स है बच्चों के, आपको लगता है कि आप किसी बच्चे को अपने एक्सपीरियंस से रिप्लाई कर सकते हैं, इट विल बी रियली फ्रूटफुल टू दैट पर्सन, आपका जो कमेंट होगा, आपका जो रिप्लाई होगा, उसको सच में कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, सो स्टार्ट प्लेइंग योर पार्ट हियर। ओके, चलो ये एक और बार देख लीजिए कि कोई बालक अगर एपिसोड 1 नहीं देखा और सीधा एपिसोड 2 पे आ रहा है, दिस इज एपिसोड 2 ऑफ अ हेल्पिंग हैंड, तो इनमें से अगर कोई आपके सवाल है तो ये आपको एपिसोड 1 में मिल जाएंगे। आज मैं कोशिश करूंगा इसके अलावा जो हटके और नए कमेंट्स हैं उनको रिप्लाई करने की। कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे कवर हुए थे, आ रहा हूं, हाउ टू कवर एडिशन एंड अमेंडमेंट्स फॉर June 21 वहां पे कवर्ड है, हाउ टू गेट योर लेक्चर्स फॉर ओल्ड सिलेबस कंप्लीट ऑन सिक्योरिटीज लॉ, फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है, वेदर टू अपियर फॉर बोथ ग्रुप इफ क्लासेस ऑफ मॉड्यूल 2 इज स्टिल ऑन गोइंग, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल था। I cannot remember the answer in the examination, कि भाई याद ही नहीं रहता है क्या मॉड्यूल का लैंग्वेज यूज करना जरूरी है, ये वहाँ पे कवर्ड है। आई फेल बिकॉज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स, फॉर टू डू, बच्चे का एग्रीगेट नहीं बन पाया, वो फेल हो गए, उन्हें क्या करना चाहिए। आई हैव रिटन मल्टीपल अटेम्प्ट्स, डिडंट क्लियर, व्हाट टू डू नाउ, वहीं कवर्ड है। हाउ टू राइट द आंसर स्पेशली कंपनी लॉ एंड जनरली ऑल्सो, एंड फ्रॉम वेयर वी कैन गेट योर नोट्स, एंड वेन शुड वी रेफर स्कैनर। तो ये सारे वो सवाल थे जो मैंने एपिसोड 1 के अंदर एड्रेस कर दिए हैं प्रॉपरली। सो अगर आप में से बालक, किसी बालक का यही सवाल है तो यू कैन रेफर बैक टू हेल्पिंग हैंड एपिसोड 1, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएगा, ठीक है। आज कोशिश करते हैं कि जिन बच्चों की कमेंट्स लास्ट टाइम नहीं ले पाए उनकी कमेंट्स आज लेने की कोशिश करते हैं। चलो यारो, पहला कमेंट है प्रणव का, सर आई फेल इन मॉड्यूल 1 सीएस एग्रीगेट मेनली बिकॉज़ आई डिडंट कंप्लीट पोर्शंस फुली एंड रिवाइज्ड ऑन इट एंड गॉट अराउंड 85 इन एग्रीगेट, आई एम फीलिंग टू टेक योर लेक्चर ऑफ कंप्लीट ऑन जेजेएल एस कांसेप्ट्स आई फॉरगॉटन एंड फील दैट द लेक्चर स्टडी फ्रॉम स्टार्टिंग मैनेजिंग कोऑर्डिनेटर एंड Look, I'll tell you Pranav, buddy, if at all you're planning to take the lectures just a few months before the exam, you have to be very careful कि आप उसको ज्यादा देख के खत्म कर पाएंगे, because my computer lectures are more than 150 hours, तकरीबन 150 hours के lectures हैं वो, क्योंकि उसके अंदर मतलब बहुत ही depth में चीजें जाती है। तो अगर आपको लगता है कि एग्जाम में आपका सिर्फ 1.5 महीना बाकी है, तो आपको उन लेक्चर्स के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। I don't think कि तब आपको lectures देख पाएंगे। And if at all you really think कि नहीं यार मैं daily extra hours देख के देख पाऊंगा, so then you have to go ahead। बाकी मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आपके पास में, अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट्स एक बार क्लियर है, सो रेदर देन गोइंग फॉर लेक्चर्स अगेन, यू ट्राई प्रैक्टिसिंग सर्टेन अदर थिंग्स, मॉड्यूल रीड करो। अगर आपके समय है तो रेदर देन बाइंग माय लेक्चर्स, आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़ा है, अब रेदर देन गोइंग फॉर माय लेक्चर्स प्रेफर रीडिंग मॉड्यूल, दैट विल बी द बेस्ट थिंग इफ यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट ऋतु का आपका आंसर फर्स्ट में हो गया, फर्स्ट में हो चुका है, सब क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट में हो चुके हैं। यस यस, ये सब क्वेश्चन के आंसर फर्स्ट में हो चुके हैं। 3 मंथ्स में कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब चीजें कर ली। चलो चलिए प्रसन्ना से शुरू करते हैं। सर आई फील माय रिजल्ट्स आर अंडरवैल्यूड, सो आई कैन ऑप्ट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ माय मार्क्स। यस प्रसन्ना, 110% यू कैन ऑप्ट फॉर इवैल्यूएशन, बट माय एक्सपीरियंस एज अ टीचर टेल्स मी दैट देयर इज नॉट इवन अ 1% का चांस दैट द मार्क्स वुड इंक्रीज। अब ऑफ कोर्स एक्सेप्शनली अगर आपके आंसर चेकिंग में एकदम ब्लेटेंट मिस्टेक्स होंगी तो शायद मार्क्स बढ़ जाए, बट हार्डली दैट इज 1%। तो ये चीज का ध्यान रखिए कि अगर आप रिवैल्यूएशन में दे भी रहे हैं, सब लोग ध्यान से समझना, इफ यू आर अपीयरिंग फॉर गिविंग इट फॉर रिवैल्यूएशन, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दोज सब्जेक्ट्स पैरेलली। ये मत सोचिए कि रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा और मेरा रिजल्ट अगर सेम रहा, फेल रहा, तो ही मैं प्रिपेयर करूंगा, बिकॉज रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में और एग्जाम में बहुत नेग्लिजिबल टाइम होता है, एंड यू टू फिल द एग्जाम फॉर्म ऑल्सो,
इसी बीच तो प्रिपेयर करते रहिए, रिवैल्यूएशन में दे सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट प्रैक्टिकली डूइंग इट, बट ट्रस्ट मी एज अ टीचर, मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज अगला अटेम्प्ट भी रह जाता है। बिकॉज बहुत सारे अच्छे रिवेल में देते हैं फिर पढ़ते नहीं कि रिवेल का रिजल्ट, रिवेल का रिजल्ट आया और 20 दिन बाद आपके एग्जाम है, तो 20 दिन में पढ़ के पास होना इज डिफिकल्ट। तो रिवेल में दे सकते हैं बट पैरेलली पढ़ना चालू कर दीजिए। सर एमसीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट न्यू सिलेबस 3 ग्रुप्स के लिए कैसे, 3 मंथ्स बाकी हैं, सिर्फ आई नीड योर गाइडेंस प्लीज। बड़ी एक और चीज़ एक सबको मैं बता देता हूँ, मैं शेड्यूल नहीं देता हूँ। मतलब ये जो आपकी कभी अपेक्षा होती है ना कि आपका टीचर आपको शेड्यूल बना देगा इतनी बज तक, वो मैं नहीं देता हूँ, ना ही मैं उसमें बिलीव करता हूँ। बिकॉज हर एक व्यक्ति का एक अलग रूटीन है, तो आपने अपने रूटीन के हिसाब से चीज़ों को प्लान करना है। बस मेरा सजेशन रहेगा कि इफ पॉसिबल, इफ यू आर नॉट अ नाइट पर्सन, देन इफ पॉसिबल सुबह 4-5 बजे उठना चालू कर दो। बिकॉज इफ यू गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ना, यू कैप्चर दैट अमाउंट ऑफ टाइम जो आपका बिल्कुल वेस्ट होता है। देखो जो बच्चे कैसा है कि इवनिंग में या शाम को भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस मोबाइल घर वालों का रह जाता है, बट जो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहा है उसको 4 से लेकर 9 बजे तक तो जीरो डिस्टर्बेंस ही ना। 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, ये 5 hours की जो स्टडी है ना, दिस इज इनसेनली गुड। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा हर उस बच्चे को जिसका शेड्यूल अभी तक बना नहीं अच्छे से, सुबह उठ के पढ़ाई करना चालू करो। हाँ, जो बच्चा ऑलरेडी रात में भाई साहब नाइट में पढ़ाई कर रहा है बेहतरीन तरीके, तो अब वो शेड्यूल चेंज करके सुबह मत आओ, बिकॉज शेड्यूल चेंज करने में बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। बट जो शेड्यूल के लिए स्ट्रगल कर रहा है भाई साहब, सुबह उठना चालू करो। मैंने नवंबर दिसंबर के आसपास चालू किया था एक 21 डेज चैलेंज, जहाँ पे मैं 6 AM पे डेली सुबह आके यहाँ पे सब बच्चों से बात करता था यूट्यूब पे। सो दैट क्या था, उसी बहाने आप सबका रूटीन बनाने के लिए। तो जिन बच्चों का तब रूटीन बना है, तो ट्रस्ट मी ऑन दैट, ट्रस्ट मी ऑन दैट, उसका बेनिफिट आपको आज तक मिल रहा होगा, राइट? तो ट्राई एंड डू दैट। रितु कह रहे हैं, सर आई वांट गाइडेंस ऑन एमसीएस बिकॉज माय पेपर एमसीएस वाज नॉट गुड, एंड ऑल्सो आई वांट टू गिव ऑल 3 ग्रुप्स ऑफ सीएस फॉर 2021 एंड आई वांट टू सिक्योर रैंक। रितु देखो, रैंक वगैरह लेने के लिए ऐसा देयर इज नथिंग एक्सेप्शनल यू हैव टू डू, ये मैं हमेशा कहूंगा, ध्यान रखना। रैंक लेने के लिए देयर इज नथिंग एक्सेप्शनल यू टू डू, यू टू डू जस्ट द स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन द मोस्ट परफेक्ट फैशन। हर छोटी चीज आपने परफेक्ट तरीके से करनी है और रैंक वगैरह सब कुछ आ जाएगी। आपने कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं करना है। मैं रैंकर के इंटरव्यूज वगैरह भी लेकर आने ही वाला हूँ, तो आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि ये कोशिश मत करो कि भाई साहब रैंकर है मतलब भाई उसने 20-20 घंटे पढ़ाई की हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमारे जैसे लोग होते हैं ऐसे ही घूमते हैं, बस हमने जो छोटी छोटी चीजें परफेक्टली नहीं की, उन्होंने हर छोटी छोटी चीज को परफेक्टली किया। दे प्लान थिंग्स प्रॉपर्ली, दे रेड थिंग्स प्रॉपर्ली, दे रिवाइज थिंग्स प्रॉपर्ली, दे प्रैक्टिस पेपर्स प्रॉपर्ली। हर छोटी छोटी चीज को परफेक्टली करना इज परफेक्शन, नॉट डूइंग सम ग्रेट थिंग्स। तो अगर आपका रैंक वैंक की इच्छा है, आराम से कर सकते हो। हर छोटी चीज को परफेक्टली करने की कोशिश करो। प्लान करो अभी से कि आपके 3 महीने हैं, कैसे सब्जेक्ट्स प्लान करना है, कैसे टेस्ट सीरीज प्लान कर सकते हो, कैसे रिविजन प्लान कर सकते हो, एंड देन गो अहेड। डू नॉट जंप थिंग्स ऑन कि नहीं टाइम में नहीं मिल रहा है ये छोड़ देती हूँ, नहीं नहीं करना सब कुछ है। बस इफ दैट इज देयर इन योर माइंड, देन देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड व्हिच कैन स्टॉप यू। हर छोटी चीज को परफेक्टली करना है, क्लियर है? अनुषा पूछ रहे हैं, CS Executive का नया बैच कब स्टार्ट होगा? बेटा जी अकेडमी पे पूछिए प्लीज। थैंक यू सो मच सर फॉर एफर्ट्स, आई नीड योर हेल्प विद एमसीएस सब्जेक्ट फॉर जून 21, हाउ कैन आई अप्रोच द सब्जेक्ट एज देयर आर सो मेनी चेंजेस। मोनाली एकदम मस्ती में रहो, मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बोला है कि पूरे अमेंडमेंट्स एडिशन मेरी जिम्मेदारी है भाई साहब, कोई मुझसे पढ़ाए बच्चा नहीं पढ़ाए बच्चा, अमेंडमेंट्स एडिशन मेरी जिम्मेदारी है मान के चलो। तो एमसीएस में इस बार कुछ कितने 12-13 नए केस लॉस हैं, ठीक है, और 1-2 नई केस स्टडीज आई है। मस्ती में रहो और आगे बढ़ो, मेरी जिम्मेदारी मैं करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? आपके रेगुलर पढ़ाई पे ध्यान दो। आप बच्चे क्या करते हैं, अमेंडमेंट के चक्कर में अपनी रेगुलर पढ़ाई शुरू ही नहीं करते, तो आपने बस ये करना है कि अपनी रेगुलर पढ़ाई शुरू करो, अमेंडमेंट्स वगैरह मुझ पे छोड़ दो, यू डोंट हैव टू वरी, मस्ती में हो जाएगा, ओके? लुक आई विल टेल यू दीपिका, आई कैन सी योर मैसेज हियर बट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका एग्रीगेट में इतना शॉर्टफॉल है एंड इंडिविजुअली कंपनी में आपके 39 है, राइट? देखो कैसे आ रहा हूँ कि आई सीन सो मेनी मार्कशीट्स ओवर द ईयर्स दैट देर आर सर्टन मार्कशीट जिनको देखे तो मेरे आंखों में भी आंसू आ जाता है। देर आर पीपल हु स्कोर समथिंग लाइक 58, 59 एंड 39 समथिंग। सो ना तो एग्जम्पशन आया है, राइट, और ना ही इंडिविजुअली क्लियर हुए हैं, तो ना ही अपना ग्रुप क्लियर हुआ। आई सीन सर्टन मार्कशीट जिनको देख के सच में आंखों में आंसू आ जाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो आई एम सेइंग इज दैट कि जो आपके साथ हुआ है ना, कभी आप बच्चों को लगता है ना कि सर मेरे साथ ही मेरी मार्कशीट इतनी गंदी है कि मेरे 38, 39 आ गए, मेरे सर 58, 59 आ गए, 56 आ गए, 36 आ गया। सो मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। एंड एक होप आपको ये रहती है कि आप रिवैल्यूएशन में दे देंगे और चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बट मेरा विश्वास मानो नहीं होती। आप दे सकते हो रिवैल्यूएशन में, दीजिए रिवैल्यूएशन में, लेकिन ये उम्मीद मत रखिए कि पास हो जाएंगे उसमें। आप बस ये कोशिश करिए कि क्या कमी रह गई, कॉपीज मंगवाओ। मैंने एपिसोड 1 में भी बोला है, कॉपीज मंगवाओ। अब तो RTI के थ्रू यू कैन गेट योर कॉपीज इन 10 rupees, बड़ी कॉपीज मंगवाओ। गेट योर कॉपीज इन सी इन विच क्वेश्चन ही हैज गिवन मी गुड मार्क्स, इन विच क्वेश्चन ही हैज नॉट गिवन मी गुड मार्क्स, एंड अकॉर्डिंगली यू गो अहेड।
आपको दिख रहा है कि नहीं यार ये इस तरह से मैं लिखता हूँ तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो उसी तरह से सारे आंसर लिखो अगली बार। नहीं नहीं यार इस तरह से मैं आंसर लिखता हूँ तो मुझे मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलते, तो उस तरह से आंसर्स मत लिखो। गेट योर कॉपीज एंड एनालाइज योर बिहेवियर। देखो कैसा है, अटेम्प्ट एंड एवरीथिंग ये सब चीज है ना, ये एक पार्ट एंड पार्सल है, ये सब पार्ट एंड पार्सल है। तो इसको बिल्कुल ऐसे दिल पे नहीं लेना है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। इस चीज को दिल पे नहीं लेना है, हर एक चीज से एक चीज को सीखने की कोशिश करनी और फिर आगे बढ़ना। वैसे कोशिश करो कि इस चीज से सीखो कि हाँ हमारी क्या गलती रहेगी, तो उससे आगे बढ़ना। I really understand it is not easy, but trust me, आज से 4 से 5 साल बाद आप हंसोगे इस बात पे, क्या यार अटेम्प्ट लगा तो इतना टेंशन लिया था, सब चलता है, अंडरस्टैंड। लेकिन इसको मल्टीपल अटेम्प्ट की जगह जो लास्ट अभी जो अटेम्प्ट हुआ उसको अपना लास्ट अटेम्प्ट मार के जून में क्लियर करने की तैयारी रखो। तो rather than cribbing about the results and everything, try and focus on what were your minor mistakes, so that देखो कोई बच्चा तो है ना जिसके 60 आए, तो आपकी कॉपी उसकी कॉपी में क्या फर्क था ये देखो, राइट, किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, यू विल सेल थ्रू। Okay, Deepika, you'll sail through, 100% you'll sail through. But rather than crying over things, now this is the time to start preparing ahead. Okay, so get your copies, understand ki kaun sa answer aap likhte hain, kis prakar se likhte hain to marks better milte hain, kis prakar se likhte hain to marks nahi milte hain, and plan ahead. Law Kanya, I would suggest that aapka module 1 clear hai na, तो मॉड्यूल 2 बाकी, डू नॉट थिंक ऑफ लीविंग सीएस बड़ी, नो, सीएस छोड़ने का बिल्कुल मत सोचो, मस्ती में करो, 100% फोड़ दो क्या मॉड्यूल 2। कैसा होता है बेटा जी, एक ग्रुप क्लियर होने के बाद वैसे ही अलग ही जोश आ जाता है, आपका एक ग्रुप बाकी ना हो जाएगा। यूर लॉ स्टूडेंट, ट्रस्ट मी, लॉ एंड सीएस इज अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन, लॉ एंड सीएस इज अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन विल टेक यू रियली फार है। तो बस प्लान करते रहो अच्छे से और आगे बढ़ो। हितेश कह रहे हैं कि जो बच्चा एक बार पढ़ चुका है ओल्ड सिलेबस के लिए क्या अप्रोच रहनी चाहिए। अरे ओल्ड सिलेबस के लिए अप्रोच में कुछ अलग नहीं है, मेरा बस सिंपल फंडा कह रहा है, आपके नोट्स जो है वो हुए, उसका रिवीजन, मॉड्यूल इफ पॉसिबल, टेस्ट सीरीज खत्म, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। सबसे पहले आपका नोट्स अच्छे से पढ़ो, ठीक है, जिन भी टीचर से आप पढ़े नोट्स, देन मॉड्यूल की एक रीडिंग, टेस्ट सीरीज, एग्जामिनेशन, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो इट्स अ वेरी सिंपल सा फॉर्मूला, बट ये करना बहुत मुश्किल, ऑन पेपर बहुत इजी लगता है, बट इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो मैं आपको लिख के देता हूँ, कोई व्यक्ति को परेशानी नहीं हो सकती, बस ये चीज करो। टेस्ट सीरीज देने से क्या होता है, बहुत बच्चे क्या दो तो कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज स्किप कर देते हैं, तो आपको समझ ही नहीं आता कि एग्जाम में गलती कहाँ करते हो, पैनिक कहाँ करते हो। तो टेस्ट सीरीज देने से यू विल नॉट पैनिक, ट्राई एंड डू इट। निकिता, मैंने एपिसोड 1 में क्लियर किया, इब्राहिम एपिसोड 1 में किया है, थैंक यू स्मिता। वंशिका पूछ रहे हैं, आई एम स्टूडेंट ऑफ सी6 न्यू सिलेबस, आई अपीयर फॉर ग्रुप 2 बट कुड नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, सो शुड आई अपीयर फॉर बोथ ग्रुप्स और ओनली ग्रुप 2, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड मच फॉर ग्रुप 1। देखो बड़ी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ग्रुप 1 की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है और ग्रुप 2 आपका एक बार दिया था अच्छे से, तो 110% एक ही ग्रुप दो फिर आप चुन में। अगर आपको सच में लगता है कि दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन अच्छी है, बिकॉज 2.5 months इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू रिवाइज एवरीथिंग, बट 2.5 months इज नॉट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स एंड देन रिवाइज। तो अगर आपको लगता है कि आपका ग्रुप 2 ही ठीक था, तो जी जान से ग्रुप 2 ही तो खत्म करो, मत कंफ्यूज करो चीजों को। बिकॉज जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, इफ यू हैव क्लियर्ड वन ग्रुप, और एक ग्रुप भी क्लियर हो गया ना, मैं कह रहा हूँ आप भागने लग जाओगे। एक भी ग्रुप क्लियर हो गया ना, सो देन आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना कि कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, ठीक है। So just go ahead with the group. That's my suggestion. Of course, you can go ahead with both the groups as well. Divya, I've answered in the first episode. Poonam pooch raha hai. First of all, thank you so much. I am a CS exam new syllabus student. I have problem in completing the question paper and framing the answers. So I want to give the test series, but I don't know to whom I approach test series. So please can you suggest me? Will help a lot. मुझे समझा नहीं पूनम, इफ एट ऑल यू आर पेनड्राइव स्टूडेंट, तो आपको हमारी टीम अप्रोच कर ली कि आपकी एक टेस्ट सीरीज रहती है, वो आपको देनी है। एंड इफ एट ऑल यू आर नॉट माय स्टूडेंट, तो भी कोई लोड की बात नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ इंडिया में इतनी टेस्ट सीरीज हैं कि आप किसी की भी टेस्ट सीरीज दे सकते हो, एंड इट डजेंट रियली मैटर आप किसकी टेस्ट सीरीज दे, आप किसी की भी टेस्ट सीरीज। तो इवेंचुअली आई एंश्योर कि मैं मेरे टेस्ट सीरीज के पेपर्स और सॉल्यूशन भी अवेलेबल करवा दूँ, तो आप चाहें तो वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज जहाँ पे यू आर राइटिंग अ पेपर, समवन इज चेकिंग इट अप, एंड देयर आफ्टर समवन इज गिविंग इट टू यू, ठीक है। तो उसमें ऑफ कोर्स दे चार्ज समथिंग, जो भी आपसे टेस्ट सीरीज जहाँ से भी आप लेंगे इंडिया में आपके घर के आसपास जो भी है उससे ले लो, देखो टू चार्ज समथिंग, बिकॉज ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली एक सीएस बैठ के उसको चेक करेगा, तो सीएस के उस टाइम की कीमत तो होगी ना, कल को आप भी एक सीएस बनेंगे तो आपकी भी टाइम की कीमत बनने वाली है, तो वो रहेगा माइनर सा कॉस्ट। आई थिंक व्हेन यू जॉइन अ टेस्ट सीरीज लाइक दैट, सो देन आपके लिए एक मोटिवेशन भी मिलता है और आप ज्यादा स्ट्रक्चर होकर आंसर फ्रेम कर पाते हैं, आपको टाइम पीरियड का समझ में आता है कि 3 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है। इफ यू
ज्वाइनिंग अ टेस्ट सीरीज दिस वुड रियली सॉल्व ऑल ऑफ योर क्वेरीज. और अगर आपको लगता है कि नहीं करनी तो लोड मत लो, आई विल एंश्योर कि मैं क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन अवेलेबल करवा दूं 110%. तो यू कैन प्रैक्टिस दैट एज वेल. ओके मानवी, हाउ टू स्टार्ट रिवाइजिंग फॉर जून 21. गधे, डिपेंड करता है ना कि क्या स्टेटस है आपका, ये कैसे जवाब देगा मैं. आपके स्टेटस पे है, आपके स्टेज पे है, आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कितना सिलेबस बाकी है, उस पर डिपेंड करता है इस चीज को. ओके तो मैं जनरलाइज आंसर नहीं दे पाऊंगा. आयुषी कह रहे हैं सर आई गॉट 25 कम थ्रू डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स, प्लीज सर टेल मी हाउ टू प्रिपेयर फॉर जून इन दिस 3 मंथ्स एंड हाउ टू बाय योर सीलो क्लासेस, थैंक यू फॉर मच. आयुषी सेम चीज मैंने जो ऊपर कही, 150 आवर्स के क्लासेस, आपको सच में लगता है कि आप क्लासेस देख पाएंगे तो ही लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए. आपको लगता है कि नहीं आप एक्स्ट्रा डेली देख के कवर कर पाएंगे, देन यू कैन गो अहेड. विद रिस्पेक्ट टू हाउ यू नीड टू इंप्रूव योर मार्क्स, ऑफ कोर्स जब आप क्लासेस लोगे तो उसमें तो मैं टाइम टू टाइम आपको ग्रूम करता रहूंगा चीजों को लेकर कैसे आगे बढ़ना है, सारी चीजें कवर हो जाएगी. बट इफ एट ऑल यू डू नॉट ऑप्ट फॉर क्लासेस, व्हाट यू नीड टू डू इज एज आई एम सेइंग, फर्स्ट जिस भी नोट्स आप पहले पढ़ते हो नोट से पढ़िए. स्टेप टू, मॉड्यूल, give one reading, one nice reading to the module. Third writer test series में आपको 25-75 में बदल सकता है, right? तो कम से कम 75 is too much, but 55 तो आप ऐसे कवर कर लोगे. तो जस्ट फॉलो दीज बेसिक थिंग्स जो मैंने एक बार बताया, वही चीज रिपीट होने वाली है क्योंकि कमेंट्स में सेम क्वेरी आएगी. यू टू एंश्योर दैट यू रिपीट दोज थिंग्स. अगर आप ये चीजें रिपीट कर दोगे ना तो कोई ताकत, मैं आपको कह रहा हूँ कि एग्जामिनर कहाँ से पूछ लेगा, कहाँ से पूछ लेगा यार. तो इफ यू कवर दीज थिंग्स, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड विच कैन स्टॉप यू दैट. ट्राई एंड डू दैट. Prachi, I've covered in the first episode. Thank you so much, Shreya. Chetan, I'm really sorry. I don't think I'll be able to answer your query here. I'll just say there are a lot of people involved in the process, so I don't think that I have the sole authority to do that. I wasn't expecting a comment like that. Sarfaraz keh rahe hain. Arey, Sarfaraz, thank you so much. सुकन्या जी, मैंने ये कन्वे कर दिया है एपिसोड 1 में भी, 100% मेरी जिम्मेदारी पूरा मैं कवर करेगा. आप पूछते हो कब करूंगा मैं, तो आई कैन नॉट गिव यू द एग्जैक्ट टाइम, बट आपके एग्जाम के बहुत पहले टाइम पे आपका हो जाएगा. बहुत मतलब एक महीने पहले तक मेरे एंड से सब कुछ आपको देके फिनिश कर दूंगा. नमन कह रहे हैं स्कोर 51 एमसीडीएस, 51 इंश्योरेंस एंड प्रैक्टिस इन 3 वीक्स. ओफो बड़ी, आई टेल यू इट्स जस्ट दैट कॉर्पोरेट फंडिंग यू स्ट्रगल्ड, आई थिंक अदरवाइज 59-51 इज अ ग्रेट स्कोर. 59 इज रियली हार्ड लक. 51 is a great score. 34 आपके funding में है, that's not a very good score. So what you need to do is, funding में सबसे पहले समझो कि आपकी गलती कहाँ हुई है. Strategy बनाओ funding के लिए कि funding में जो part B है वो cream part है भाई, cream part है. उसको तो पूरा आप end to end कर लो. मतलब आप if at all you're studying from my notes module जो भी है सब कुछ word to word same ही है professional में, तो so what you need to do is कि उसको end to end खत्म कर लो. There are certain handwritten notes जो कि मेरे available हैं, you can refer to those. मैं last episode में बताया कि मेरे self study notes आप कैसे ले सकते हैं, तो वहाँ मतलब इट्स अवेलेबल फॉर फ्री, यू टू जस्ट डाउनलोड एंड यूज इट. तो पार्ट बी के लिए कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं वो यूज करिए एंड जस्ट गो हेड. इस तरह से भी गए ना तो आई थिंक कंफर्टेबली कैन सेल थ्रू. फंडिंग इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. ऑफकोर्स कुछ चीजें गलत हो गई जिस कारण से स्कोर लेस, बट जस्ट वर्क ऑन दीज बेसिक्स. एनश्योर के पार्ट बी को बहुत इंपॉर्टेंस दो, पार्ट ए को उसके बाद में करो. पार्ट ए 60 मार्क्स का अंडरस्टैंड, बट पार्ट ए को उसके बाद में करो, पार्ट बी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, ठीक है. एंड देन आफ्टर पार्ट ए को करो. एंड पार्ट बी कैसा है, छोटा सा है 40 मार्क्स का, तो वहां पे तो आप 40 में से 35 स्कोर कर सकते हो, क्लियर. एंड देन गो फॉर पार्ट बी. एग्जाम में भी उस तरीके से करिए एंड आई थिंक यू विल सेल थ्रू, ओके. हो सकता है कैसा होता है कि कॉर्पोरेट फंडिंग इज अ एडवांस सब्जेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज लॉ, तो अगर किसी का सिक्योरिटी तो थोड़ा सा वीक होता है तो थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम आती है, बट आई थिंक इतना ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए नमन. ओके थोड़ी सी एफर्ट्स हो गए ना तो हो जाएगा क्लियर. कोई भी और परेशानी थी तो मुझे कहिए, मैं मेरे बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स लूंगा उसको हेल्प करने के लिए. जून अटेम्प्ट के लिए मैं सेपरेटली वैसे भी कुछ टॉपिक्स के लिए तूफान रिवीजन लेकर आने वाला हूं, तो वो टॉपिक्स आपके भयंकर तरीके से हो जाएंगे, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोस टॉपिक्स एज़ वेल. निशु कह रहे हैं सर आई डिडंट क्लियर माय सेकंड ग्रुप ओल्ड सिलेबस, सी सी दिस वाज फिफ्थ अटेम्प्ट फॉर मी एंड वर्कड आउट फॉर दिस एंड आई एक्सपेक्ट टू गेट एंट्री टू प्रोफेशनल प्रोग्राम, नाउ आई एम टायर्ड ऑफ प्रिपेयरिंग द सेम अगेन अगेन, आई एम कंफ्यूज्ड नाउ दिस हैपनिंग अगेन, देयर विल नो होप टू अपीयर फॉर द एग्जाम, थैंक यू. निशु आई विल टेल यू, 5 अटेम्प्ट्स आर ऑफ कोर्स समथिंग व्हिच इज टू मच, बट यू हैव टू टेक अ वेरी फाइन कॉल. मतलब अब अगर आप कोर्स को छोड़ने का सोच रहे हैं तो मेरा जनरल ओपिनियन तो यही होता है दैट यू शुड नेवर लीव द कोर्स, बट अगर आपको एक्सेप्शनली लगता है कि नहीं आपके लिए कोई और चीज़ बनी है एंड यू आर रियली इंक्लाइन टुवर्ड्स समथिंग एल्स और आप जबरदस्ती इस कोर्स में आए थे, सो देन यू कैन थिंक ऑफ मेकिंग एन एग्जिट. अदरवाइज आई वुड सजेस्ट यू दैट कहीं ना कहीं तो आप ब्लेटेंटली गलत जा रहे होंगे, तो ट्राई एंड आइडेंटिफाई दैट. हर वो बालक जिसको मल्टीपल अटेम्प्ट लगे ना, आप कहीं ना कहीं ब्लेटेंटली गलत जा रहे हैं. देखो सुनो कैसा होता है कि अगर आप में कोई छोटी मोटी गलती है तो उसमें आपके मार्क्स एकदम क्लोज जाते हैं और इतने मल्टीपल अटेम्प्ट नहीं लगते. अगर आपको मल्टीपल अटेम्प्ट मतलब यहाँ से 5 अटेम्प्ट लगे ना, तो कहीं ना कहीं आप ब्लेटेंटली कुछ ग्रोस मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसमें आपने क्या करना चाहिए, बेस्ट थिंग इज टू आस्क फॉर योर कॉपीज एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड.
कि भाई ऐसा क्या मैं लिख रहा हूँ कि मुझे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, कि किस प्रकार, देखो आपने कॉपीज मंगवाई तो कुछ क्वेश्चन में तो आपको भी 4 out of 5, 3 out of 5 मिले होंगे, तो आइडेंटिफाई दैट इफ आई एम राइटिंग आंसर इन दिस फैशन आई एम गेटिंग डिसेंट मार्क्स, बट इफ आई एम राइटिंग आंसर इन दिस फैशन दैट आई एम नॉट गेटिंग मार्क्स. ट्राई एंड आइडेंटिफाई कि आप कैसे प्रकार के आंसर लिखते हैं तो आपको बिल्कुल ही मार्क्स नहीं मिलते हैं. यू टू इम्प्रूव ऑन दैट, यू टू इम्प्रूव ऑन दैट. एंड अगर कोई ऐसा बालक है तो यू कैन डू इज यू कैन सेंड योर सॉफ्ट कॉपी जो आपके आंसर शीट आई है टू मी एंड आई ट्राई एंड लुक इन टू इट वंस. ठीक है, तो मैं मेरे एंड से जो गाइडेंस दे पाऊंगा अभी देने की बिल्कुल कोशिश करूंगा. सोनल कह रहे हैं दो लेट सर, बट वांटेड टू टेल यू द एकेडमी हैज गिवन मी सो मच. अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सोनल. पूजा आई के नॉट कमिट के फंडिंग का मैं फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च करूंगा, बट हाँ यूट्यूब पे आप सब बच्चों के लिए कुछ टॉपिक्स के रिविजन 100% में लेकर आऊंगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ओके, वो मैं पक्के से लिखूं. एक फास्ट ट्रैक बैच आई के नॉट कमिट ओनली बिकॉज फास्ट ट्रैक बैच में क्या होता है, व्हेन आई कमिट अ बैच, व्हेन अ फीस इज चार्ज्ड, देन आई एम ऑब्लिगेटेड टू कवर द एंटायर सिलेबस इन इट. ऑफकोर्स आई विल, जैसे कि रेगुलर बैच है तो रेगुलर बैच में एक एक चीज कवर होती है, तो 120 आवर्स का है फंडिंग का रेगुलर बैच. तो फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च करने में क्या होता है कि मुझे 40-50 आवर्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, दैट गेट्स वेरी डिफिकल्ट. तो मैं फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च नहीं करने वाला, बट यूट्यूब पे बच्चे जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं कुछ रिविजन जरूर लेकर आऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, सो दैट वुड रियली हेल्प यू. ओके, यश ये चीज मैंने एपिसोड 1 के अंदर एड्रेस की कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है, जो लेक्चर्स देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है बोथ ग्रुप दे सकते हैं या नहीं. ओके, तो देखिए एपिसोड 1. अरे जय, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन बड़ी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस वर्ड्स. नो नो सर, जस्ट गो अहेड विद द सेम थिंग, डोंट वरी. जो भी एडिशन अमेंडमेंट्स होंगे ना सर, वो मेरे एंड से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी. जिस तरह से पढ़ रहे हैं उसी तरीके से पढ़ते रहिए. ओके एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. Prashu, you can give it. That's what I'm saying. If at all you join a test series, it will be wonderful. मैं generally आपको ये suggest नहीं करूँगा at this moment. Weekly test आप कब दे सकते हो, जब आपका batch वैच चल रहा है तब. But once you are at this moment when there is exam in hardly 2 to 3 months, then weekly test से better आप syllabus wise test दो. कि syllabus को चार part में divide कर दिया और एक part का test, एक part का test, एक part का test, एक part का test. If at all you give it in that fashion, that is way more fruitful at this given point of time, in my opinion. सुदेशना, सबसे पहले ASAP, as soon as possible, क्लासेस कंप्लीट करनी है आपने, फिर आपने आगे का प्लान करना है. और जो जब आप लेक्चर्स कंप्लीट होंगे, लास्ट लेक्चर के अंदर मैं डिटेल में बताता हूँ कि आपका सेल्फ स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए आगे का. यू विल बी सॉर्टेड देयर. थैंक यू सो मच सदाशिव, थैंक यू सो मच प्रज्योत. लिखित, आई के नॉट सी, ये मैंने एपिसोड में बोला है कि मैं ओल्ड सिलेबस के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये मैं नहीं कह सकता, बट हाँ जो मैं वीडियो बनाऊंगा मैं कोशिश करूंगा कि वो ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस के दोनों बच्चे अच्छे से देख सके फॉर कंप्यूटर एंड सिक्योरिटीज. जागृति, एक बार प्लीज आप एपिसोड 1 देखेंगे, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि जो लोग एग्रीगेट में संघर्ष करें उन्होंने क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए. एंड समरी बोलूं तो इट्स जस्ट कि यू टू आइडेंटिफाई अ फ्यू सब्जेक्ट्स जो कि आपके बहुत बेहतरीन है एंड यू टू स्कोर 65-70 दो सब्जेक्ट्स. आप किसी भी जो बच्चा क्लियर हो उसको देखो, कभी भी ऐसा नहीं होगा हर एक सब्जेक्ट में 50 के अराउंड है, कुछ एक सब्जेक्ट उसके कम होते ही हैं, बट कैसा होता है कि इन फ्यू सब्जेक्ट्स विच द पर्सन इज वेरी कंफर्टेबल द पर्सन स्कोर 65-70 यार, तो उससे एग्रीगेट बहुत कंफर्टेबल हो जाता है. हर व्यक्ति जिसका एग्रीगेट अच्छे से निकला है उसका ऐसा ही होता है. तो यू ट्राई एंड आइडेंटिफाई योर टॉप सब्जेक्ट्स एंड एंश्योर दैट यू हिट 65 प्लस इन दो सब्जेक्ट्स. एक दो भी सब्जेक्ट ऐसे मिल जाते हैं तो एग्रीगेट अच्छे से पुश हो जाता है. ट्राई डू दैट. एंड मैंने एपिसोड 1 में डिटेल में बात की. कशिश, आई वुड सजेस्ट स्टेप 1 फॉर यू हैज टू बी टू ट्राई एंड कंप्लीट योर लेक्चर्स. जैसे लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं फिर आप आगे बढ़ सकते हैं. जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में बात की कि कैसे आपने सेल्फ स्टडी के लिए आगे बढ़ना है. तो थिंग्स वुड बी रियली फ्रूटफुल देयर. सुप्रिया ने बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से क्वेश्चन पूछे, उनको मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ. सुप्रिया का कहना है, सबसे पहला, अरे यार बेटा जी क्या हो गया, क्लिक हो गया आई थिंक किसी के नाम पे. हेलो, अरे अरे भैया रुको. हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑफ, हेलो एवरीवन, अरे रुको भैया जी. सुप्रिया का इतना ऑर्गेनाइज तरीके से कमेंट था, उसको हम रिप्लाई करने की कोशिश ही कर रहे थे. चलिए जाते हैं फटाफट सुप्रिया के कमेंट पे.
Yes, here we are. Yes, people. Supriya ka sawal hai, so please suggest how to first improve writing skills and time management in exams. Second, please provide questions for practice for CS professional new syllabus for open book done. Third, any suggestion for time management left in 94 days. Okay, this way. तो टाइम मैनेजमेंट है और रही बात पेपर्स की. पेपर्स में ऐसा बेटा जी कि एमसीएस की अगर मैं बात करता हूँ तो एमसीएस के अंदर आपके मैंने मेरे जो वर्कबुक है उसके एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. तकरीबन आई गेस 100 के आसपास क्वेश्चंस है. दोज यू कैन प्रैक्टिस अपार्ट फ्रॉम इट इन द बैच इटसेल्फ. मतलब अगर आप मेरे पेनड्राइव स्टूडेंट हैं तो इन द बैच इटसेल्फ वी हैव सॉल्वड ऑल द पास्ट ईयर पेपर. वो भी टाइमर लगा के 3-3 घंटे के, तो वो हमने कर लिए हैं. और अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आपके जो भी पास्ट ईयर पेपर्स अवेलेबल हैं वो सारे सॉल्व कर दो. इसमें कहता है जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन आता है ना केसरी क्वेश्चन, उसके लिए आपको बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा मार्केट में. तो पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना इज द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है. ओके, और पेपर को यहाँ पे 3-3 आर के ओरिएंटेशन में करो, बिकॉज ओपन बुक है ना, तो आप क्या सोच के चलते हैं मैं तो लिख दूंगा, बट जब एग्जाम में उस टाइम फ्रेम में लिखना होता है तब आपको डिफिकल्टी होती है. तो ट्राई सॉल्व द पेपर विथ टाइम का स्ट्रिक्ट सुपरविजन. अब एक है हाउ टू इंप्रूव राइटिंग स्किल्स एंड टाइम मैनेजमेंट. कैसा होता है यार ये, मैं मेरे बच्चों को भी सजेस्ट करता हूँ कि आप क्या करो, डिवाइड करो कि आपका टोटल टाइम कितना एग्जाम में विद द मार्क्स इन द एग्जाम. तो हमारे पास 180 मिनट्स हैं एग्जामिनेशन में, 16 to 3, राइट, एंड वी हैव 100 मार्क्स टू अटेम्प्ट. सो ऐसा सोच सकते हैं फॉर एवरी 180 मिनट्स एंड 100 मार्क्स टू अटेम्प्ट. सो फॉर एवरी मार्क वी हैव समवेयर अराउंड 1.8 मिनट्स, ऐसा कुछ कह सकते हैं अपन, ठीक है रफली. तो मैं ऐसा उनको गाइडेंस देता हूँ कि एंड में देखो यार 20-25 मिनट तो आपको चेकिंग के लिए साइड में रख दो, अंडरलाइनिंग वाइनिंग ये सब चीज़ों के लिए. तो आप ऐसा मान के चलो, For every 4-mark question, you have 5 minutes. For every 5-mark question, you have 6 minutes. For every 3-mark question, you have 4 minutes. आप अगर इस आउटलुक से जाओगे ना, खत्म हो गई बात. And now, ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन के बाद में चेक करते रहो लिखा हुआ कि नहीं हुआ, उससे बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाओगे. बट एक टारगेट बनाओ दैट आफ्टर 1 आवर आपका 30 marks तो हो ही जाना चाहिए. फर्स्ट आवर जब पेपर एग्जामिनेशन का फर्स्ट आवर कंप्लीट होता है, यू शुड बी समवेयर अराउंड 30 marks. सेकंड आवर कवर होता है, यू शुड बी समवेयर अराउंड 60 marks. लास्ट 1 आवर में 40 हो जाता है. सो टारगेट हैज टू बी 30+30+40. इफ यू आर फॉलोइंग दिस ना, मैं कह रहा हूँ कंफर्टेबली सेल थ्रू कर जाओगे. शुरुआत में टाइम लगता है, तो शुरुआत में अगर उसको 35 का टारगेट दोगे तो आपको एकदम पैनिक में होगे. तो फर्स्ट आर में 30 के आसपास, जैसे ही 1 आर के आसपास कंप्लीट होता है, चेक, हाँ 31 आर हो गया, ठीक है अपना क्या पेपर, हाँ 28 marks हुआ, चलेगा आगे बढ़ जाओ. आपको तो मेरा तो 24-25 ही हुआ है, स्पीड बढ़ा, मेरा 35 हो गया है, ओके आराम से करो, कोई लोड नहीं है. बहुत बच्चे भाई 2 घंटे में पेपर करके बैठ जाते हैं, दैट इज ऑल्सो यूजलेस. जब आपको टाइम दे तो उसको यूटिलाइज करो ना अच्छे से. सो देन 30+30+40, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके एग्जाम में तो बेहतरीन तरीके से निकल सकते हो. ओके, सो दिस शुड हेल्प यू. विम्पी यार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मेरा फोर्टे तो नहीं है, तो मैं ज्यादा उसमें आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, बट आई वुड सजेस्ट, आई थिंक जितना मुझे लिमिटेड पता है, मैंने जब पास किए थे वो सारे सब्जेक्ट, तो देन यहाँ पे प्रैक्टिस इज द की बड़ी, प्रैक्टिस इज द की आई गेस फॉर दिस कॉस्ट FM टैक्स, प्रैक्टिस इज द की, दैट्स व्हाट आई कैन से. उर्मी जी गाइडेंस फॉर CS प्रोफेशनल, जी क्या गाइडेंस चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा ना. और गाइडेंस लेक्चर आई थिंक उर्मी यू आर ऑनगोइंग बैच का स्टूडेंट बड़ी, आपका तो डिसंबर अटेम्प्ट है ना, तो आपके लिए तो पूरा सेशन अभी ऑर्गेनाइज है, डोंट वरी. जसप्रीत यू हैव माय वर्ड, वो आएगा. जसप्रीत का कहना है कि सर जो डिसंबर अटेम्प्ट का फंडिंग का पेपर था उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो, 100% करूंगा मैं, यू डोंट हैव टू वरी. तो यूट्यूब पे आपको 110% ये सारे प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच कीर्ति फॉर योर नाइस वर्ड्स. मानसी पूछ रहे हैं सर, आई गॉट एग्जाम्पशन इन सेटिंग अप बट ओनली इन कंपनी लॉ इन विच आई हैव नेगेटिव रिजल्ट ड्यू टू 7 marks, सो हाउ शुड आई प्रोसीड, व्हाट विल द पासिंग मार्क्स. हाँ मानसी का कहना है सेटिंग अप उनका एग्जाम्पशन आ गया, बहुत ही बढ़िया बात है. नाउ यू हैव टू राइट 3 papers फॉर मॉड्यूल 1 एंड यू टू गेट अ एग्रीगेट ऑफ 150 दैट. तो 3 paper लाने और एग्रीगेट 150, ऐसा दैट इज हाउ इट इज. CA में आपको कुछ और बेनिफिट मिलता है, वो CS में नहीं मिलता. तो CS का नॉर्मल रूल समझो, 3 paper लाने देने हैं और उसमें 50% चाहिए आपको, तो 150 लाने हैं. क्लियर हो गई बात यहाँ पे, क्लियर है. अब कंपनी में आप क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि हमेशा कह रहा हूँ सेम चीज़ वापस रिपीट हो जाएगी बार बार भाई साहब, जिस भी नोट से आप पढ़े उन नोट से पढ़िए. अगर मेरे नोट से पढ़े तो मस्ती से बहुत ही अच्छी बात है. पहले स्टेप 1 इज नोट्स गेट डन कर लेना, मस्ती से हो गया. देन यू जस्ट गो फॉर 1 reading ऑफ द मॉड्यूल. टेस्ट सीरीज एग्जामिनेशन कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती. अब तो मुझे लगता है कि जो बच्चों का पेपर हो चुका है वो भी क्लियर हो गया, अरे हाँ भाई साहब हम भी 4 लोगों को समझा सकते हैं. जस्ट ट्राई एंड एक्सप्लेन टू पीपल एंड आई थिंक यू विल बी ऑल सॉर्ट, राइट. सो मानसी एकदम चिल करो, बस ज्यादा नेगेटिविटी मत रखो, सिर पे लोड मत रखो और मस्ती से आगे निकल जाओ. ओके चलो, आई विल टेक 1 more क्वेश्चन. प्रीति, आई गॉट मैरिड इन डिसंबर एंड नेक्स्ट एग्जाम इन जून, आई वांट टू ट्राई माय बेस्ट एंड नीड मोर राइटिंग प्रैक्टिस. अगर मैनेज टाइम एंड प्रैक्टिस मोर
टेस्ट पेपर राइटिंग प्रैक्टिस। फिर आई सजेस्ट, जिस तरह से आप कह रहे हो कि सेम मेरा सजेशन है कि आप एक बार सिलेबस कंप्लीशन में ध्यान दो एंड जॉइन अ टेस्ट सीरीज, किसी का भी ज्वाइन कर लो। मैं आपको समझ में आ रहा, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे ज्वाइन करो या फिर यहाँ पे कहीं ज्वाइन करो इंस्पायर पे, आपको जहाँ ठीक लगता है वहाँ ज्वाइन करो। आपके घर के पास जहाँ टेस्ट सीरीज है कि आप जाके फिजिकली दे सकते हो ज्वाइन करो। आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है ऑनलाइन ज्वाइन करो, बट जॉइन अ टेस्ट सीरीज इफ यू आर राइटिंग अ टेस्ट सीरीज दैट विल क्रिएट हेल ऑफ अ टफ डिफरेंस। देखो सबसे बड़ा डिफरेंस तो क्या हो जाएगा बिल्कुल, सब अच्छे सुनो, मतलब प्रीति के लिए भी एंड सबके लिए भी, एक मोटिवेशन आ जाता है अंदर से ऑटोमेटिकली। फैन कैसा है कि हमें पता है 3 महीने बाद एग्जाम देना है, तो अंदर से एक जीली नहीं होती, दे देंगे पढ़ लेंगे। बट फैन यू नो और यार 10 दिन बाद पेपर है, 10 दिन बाद टेस्ट है इन 4 टॉपिक्स पे, तो 4 टॉपिक्स को पढ़ोगे, टेस्ट देना टेस्ट देना टेस्ट देना। सो दैट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ शॉर्टर टारगेट फॉर यू एंड लॉन्गर टारगेट से ज्यादा हम शॉर्टर टारगेट पे इजिली अचीव कर पाते। तो छोटे छोटे टारगेट बना दिए शॉर्ट टर्म और उसका टेस्ट दे दिए एंड वी गेट सॉर्टेड। एंड आजकल बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है यार, जो कि आपके सिलेबस को 3-4 पार्ट में डिवाइड करके और वैसे टेस्ट दे लेते हैं आपके। So join any of such test series and go ahead, yaar, go ahead, go ahead. Okay? I hope कि जो queries मिले इनसे सिर्फ वो बच्चे जिनके मैंने comments लिए वही नहीं, but I guess हर वो बालक जिनको similar issues हैं उनके answer हुए होंगे। Thank you so much for your love, people. And मेरा एक request है कि आप बच्चों को आगे भी चाहते हैं, of course मैं तो continue करता ही रहूँगा, जैसे जैसे मुझे time permit करेगा मैं helping hand के episodes लाता रहूँगा। मेरे 2 requests रहती हैं। सबसे पहली request तो यार उन बच्चों से जो पहले clear हो चुके हैं, मेरी हाथ जोड़ के request चाह रहा हूँ that there are a hell lot of students. Look, I'll tell you, if there is a student who's not hardworking, आलसी है वो फेल होता है, वो डिजर्व करता है। एक स्टूडेंट आलसी है वो फेल होता है, वो डिजर्व करता है फेल होना। बट एक स्टूडेंट जो मेहनती है वो भी फेल हो जाता है जस्ट बिकॉज शॉर्ट ऑफ गाइडेंस, तो ये बहुत बुरी बात है। तो हमें कम से कम इतना रोल, आप बच्चे क्लियर हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भी किसी ने मदद की होगी ना, राइट? इट कुड बी योर टीचर, इट कुड बी योर फ्रेंड, इट कुड बी योर ब्रदर सिस्टर। सो आपने कोशिश करना है दैट यू हैव टू बी दैट एल्डर ब्रदर सिस्टर फॉर दीज यंगस्टर्स। थोड़ी सी अगर आप इनकी मदद करें तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं लगा रहूंगा एंड तक लगा रहूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द क्वांटम इज सच ना कि मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत होगी। जैसे कि आई थिंक किसी ने प्रीति के इसमें भी रिप्लाई किया हुआ है, तो इट्स रियली नाइस बिकॉज हो सकता है ना कि मेरे प्रोफेशनल के बहुत सारे बच्चे जो भी क्लियर हुए जो कि प्रोफेशनल्स में बताए थे मैरिड थे, तो दे कैन शेयर देर एक्सपीरियंस विद प्रीति के यार आई एम ऑल्सो मैरिड, ये सर्कमस्टेंसेस होते हैं, बट वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू डू दीज दीज थिंग्स। सो इफ यू शेयर योर एक्सपीरियंसेस ना, सो यू विल ऑल्सो फील गुड दैट आपने जो देखो कैसा है जो अभी प्रोफेशनल में क्लियर होकर सीएस बन गए। आप भी बच्चे ऐसे थोड़ी है ना सबके सबके जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गए, आपसे भी कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई होगी, भी आपने सीखी, फिर आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया, फिर आपने प्रोफेशनल क्लियर किया। आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको एग्जीक्यूटिव में अटेम्प्ट लगते हैं, फिर जैसे ही एग्जीक्यूटिव निकला प्रोफेशनल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देते, बिकॉज वो एक बस स्ट्रीक है, वो क्लियर हो गया, अरे यार ये गलतियां करता था मैं जो नहीं करनी है। सर यू कैन जस्ट पास ऑन दैट विजडम एंड दैट विल बी रियली हेल्पफुल। एंड एट द एंड ऑफ द डे यारो कर्मा, आप अच्छा करोगे तो अच्छा आपके साथ होगा। ओके एंड कीपिंग दिस अबाउट मैं लगाऊंगा यारो, तो मैं लगा ही रहेगा, इस तरह से मैं कुछ ना कुछ आपके लिए लाता रहेगा। सेकंड चीज, मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इस एपिसोड 2 का जो कमेंट है ना, इसके नीचे आपके क्वेश्चंस पोस्ट मत करो। आपके अगर और क्वेश्चन आते हैं तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो के नीचे ही पोस्ट करो, जैसे कि जो इंट्रोडक्शन वीडियो के नीचे ही पोस्ट करो आपके कमेंट्स। उससे कैसा होता है कि मैं इंट्रोडक्शन वीडियो के नीचे ही जाता रहता हूं। अब जैसे कि एपिसोड 1 था तो उसके नीचे भी 150 के आसपास आप लोगों ने कमेंट्स किए, तो उसमें से कुछ तो एप्रिसिएशन कमेंट्स हैं। थैंक यू सो मच, आई रियली लव इट, आई रियली लव योर नाइस वर्ड। बट जो बच्चों ने वहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट किया, मैं रिक्वेस्ट है आप इंट्रोडक्शन के नीचे क्वेश्चन पोस्ट करो, तो मैं एपिसोड 3-4 जब लाता रहूंगा, मैं हमेशा इंट्रोडक्शन के नीचे ही क्वेश्चंस देखता रहूँ। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड एंड थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस वर्ड्स एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड कीप हेल्पिंग अदर्स एंड आई विल ट्राई एंड डू द सेम। Thank you so much. I'll see you people in the next session. Until then, keep motivating yourself. Ensure यारों कि जिन बच्चों का झूठ अटेम्प्ट अब बस हो गया, लग जाओ। आई थिंक जो 2 एपिसोड्स हैं इसमें ही मेजोरिटी स्टूडेंट्स को उनके आंसर्स मिल गए। बट अब अगर कोई भी ऐसा आंसर जो अभी तक नहीं हुआ तो आई ट्राई कि मैं आगे भी कुछ और लेता रहूंगा, लेकिन आपने इस कोशिश करनी, आपको आंसर मिल गया ना, अब बस आगे भिड़ो, अब कर्म करने का समय है, अब कर्म करने का समय है, तो अब बस भिड़ जाओ, खूब सारा पढ़ो, खूब आगे पढ़ो। मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक यू सो मच पीपल, बाय बाय।